बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी पॉपुलर फिक्शन की तीसरी वीडियो आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगाथा क्रिस्टी के फेमस नॉवल द देयर वर नन के बारे में। अगाथा क्रिस्टी के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें सारे मिल जाएंगी इंटरनेट में, लेकिन जो सबसे अहम बात आपको याद रखनी है अगाथा क्रिस्टी के बारे में वो यही है कि उनके जितने भी राइटिंग हैं उनमें मिस्ट्री मर्डर का जो एलिमेंट है ये बहुत प्रोमिनेंट है। उन्होंने कोई 66 के अराउंड नॉवेल्स लिखे हैं और ओवर 100 जो कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। हम उनकी नॉवल देन देयर फॉर नन को आसान अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिए कि हम भी इस नॉवल को थ्रिल बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे पास जो के हैं देन देयर वर्णन को अगर आसान अल्फाजों में हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम तीन एक्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कैरेक्टर लिस्ट है, जो 10 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम इसको एक्ट वन को देखें तो एक्ट वन में हमारे पास जो कि डिवॉन आइलैंड, जो कि इंग्लैंड में एक आइलैंड होता है, उसमें 10 जो अजनबी लोग होते हैं, 10 स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो अराइव करते हैं वहां पे। उनको एक मेंशन में, एक बड़े से घर में, एक कुक और बटलर दोनों रिसीव करते हैं। उनको डिनर दिया जाता है। वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। जब उनको पता चल जाता है कि जिस बंदे ने इन लोग को इनवाइट किया है, अच्छा, इन लोगों को लेटर्स के थ्रू इनवाइट किया जाता है, उस लेटर में इनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि आओ, और इनके पेन पॉइंट्स को वो जो लेटर लिखने वाला होता है वो उसमें बयान करता है, जिसकी वजह से ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये लोग इस आइलैंड पे आने के लिए राजी हो जाते हैं। ये लोग आ भी जाते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि इनका होस्ट अभी तक नहीं आया। अननाउन होस्ट होता है और होस्ट भी जो कि एब्सेंट होता है। अब खुद ही आप सोचिए कि आप किसी को बुलाते हैं अपने घर पे और आप ही नहीं होते, तो गेस्ट को क्या फील होगा? या आप किसी आपको कोई इनवाइट करते हैं और आप जाते हैं उनके घर और वो घर पे नहीं होते, तो आप इस तरह की फील उस सिचुएशन से लेंगी। दूसरे एक्ट में हमको ये पता चलता है कि इनमें से एक का मर्डर हो जाता है और वो जो कि एक नेचुरल वे के तौर पे डिस्प्ले किया जाता है। अब ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं नजर आता। इसी दौरान जो कि ये लोग एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं और इसी स्टेट में ये पैरानॉइड हो जाते हैं। पैरानॉइड का आसान अल्फाजों में मतलब ये है कि इंसान को डर लगा हुआ था को उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है, और इनके जो इनका जो पैरानॉइड होता है वो रियल होता है। एक्ट थ्री में हम देखते हैं कि हमारे पास ये लोग जब एक दूसरे पे शक करने लगते हैं तो इनमें से एक कैरेक्टर कहता है कि मुझे कुछ क्लूज मिले हैं, मैं उस किलर को जानता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कैरेक्टर की भी डेथ हो जाती है। इसी तरह हमारे पास लास्ट में जो के हैं टू गेस्ट रह जाते हैं, दो गेस्ट रह जाते हैं जो कि एक दूसरे पे और शक करते हैं, और उसी दौरान जो कि हमें पता चल जाता है कि कौन एक्चुअल किलर है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सारे नोवेल को देखें तो इसमें एक मिस्ट्री रखी हुई होती है, जो स्टार्ट होती है एक स्ट्रेंजर आइलैंड से और एंड होती है विद द डेथ ऑफ द लास्ट कैरेक्टर हमारे पास जो होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस नोवेल को पढ़ेंगे कैसे। तो इस नोवेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो है कि किस तरह इन कैरेक्टर्स को कन्विंस किया जाता है, किस तरह इन्होंने जो क्राइम्स किए होते हैं या वो क्राइम्स जो इन्होंने किए हुए होते हैं लेकिन वो अनपनिश्ड होते हैं, उनको वो जो अनपनिश्ड क्राइम होते हैं उनको पनिश करने की कोशिश की जाती है। और यही जो कि है हमारे पास जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट। लास्ट में जो कि इनको कौन सी पनिशमेंट मिलती है वो तो हम सारे नोवेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी को भी रिवील करने की कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो में हम कैरेक्टर्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।